दोस्तों आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि यार WAG 12 तो आ गया पर WAG 11 कहाँ है। तो ये रहा आप सभी के सामने नया नवेला WAG 11। दोस्तों आज सुबह ही मुझे सत्यभाई से खबर मिली कि वाराणसी जंक्शन के पास WAG 11 आया हुआ है, तो मैंने सोचा फटाफट आप सभी के लिए छोटा सा क्लिप बनाता हूँ। तो ये रहा हमारा नया नवेला WAG 11। अगर आप लोग उसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल हमारे वैप 7 और वैग 9 की तरह दिख रहा है, लेकिन हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि जो इसकी आउटर बॉडी शेल है वो किसका यूज़ किया गया है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW वाराणसी में बनाया गया है। वैसे आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ अक्टूबर 2018 में इस लोकोमोटिव को DLW से बाहर निकाला गया है। अच्छा, यहाँ ये बात तो कंफर्म नहीं है कि जो इस लोकोमोटिव का आउटर शेल है वो किस लोकोमोटिव से लिया गया है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस लोकोमोटिव की जो बोगीज़ हैं और कुछ इनर पार्ट्स हैं वो हुबली डिवीज़न के WDG 4 का यूज़ किया गया, मतलब कि हुबली डिवीज़न के जो WDG 4 हैं उनकी बोगीज़ का इस्तेमाल हुआ है इस लोकोमोटिव में। यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि जैसे हमारे WAG 12 को बनाया गया था, मतलब दो लोकोमोटिव को एक साथ जोड़ करके बनाया गया था, ठीक वैसे ही यहाँ WAG 11 में दो लोकोमोटिव का इस्तेमाल हुआ है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ दो लोकोमोटिव को जोड़ा गया है और यहाँ बीच में एक वेस्टिबुल है, मतलब कि आप एक लोकोमोटिव से दूसरे लोकोमोटिव के अंदर जा सकते हैं। और रही बात पावर की, तो इस लोकोमोटिव की जो पावर होगी वो 10,000 HP से ज़्यादा होगी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दो लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये लोकोमोटिव्स जब भी ट्रैक्स पे चलेंगी तो दो लोकोमोटिव्स के साथ ही चलेंगी। अच्छा, यहाँ मज़े की बात ये है कि जो हमारी रेलवेज़ है ना वो जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर है, मतलब कि जोड़ तोड़ करके एक नया लोकोमोटिव बनाना बहुत बखूबी आता है हमारे रेलवेज़ को। तो हम ये सोचते हैं कि यार हम फिर WAG 12 जैसे लोकोमोटिव को बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं जब हम खुद ऐसे लोकोमोटिव घर में बना सकते हैं। तो हालांकि वो बात अलग है कि WAG 12 की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो एडवांसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं ना उनके पास बहुत काबिलियत है, मतलब जोड़ तोड़ करके ऐसे लोकोमोटिव बनाना सच में बहुत बड़ी बात है और इस काम के लिए हम DLW वाराणसी की जितनी तारीफ करें वो कम है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये एक छोटा सा क्लिप था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर से करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।